तो गाइस आज की वीडियो हम बनाने वाले काफी सारे स्केरी बिल्ड्स माइनक्राफ्ट में, और उनकी मदद से स्केयर करने वाले मेरे विलेजर दोस्त नूबड़ू को, जो कि एक बोलने वाला विलेजर है और उसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डर सिर्फ और सिर्फ स्केरी मिथ से लगता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में जो है बहुत सारे स्केरी बिल्ड्स होने वाले हैं जिनको मैं माइनक्राफ्ट के असली मॉब्स बना के नूबड़ू को डराऊंगा। और इससे पहले मैंने इसी सेम टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो बनाई थी, तो उसे भी तुम लोग चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। लिंक जो है तुम लोग को डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो लास्ट वीडियो का मेरा लाइक एम पूरा करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड अगर इस वीडियो पे भी चाहते हो इसका पार्ट 3 बने तो फिर इस पे भी 5 के लाइक्स करवा देना। एंड या इसी के साथ आज की वीडियो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो या हम लोग आ चुके हैं हमें बिल्डिंग एरिया के ऊपर, और या यहीं पे हम लोग जो है बहुत सारे हमारे स्केरी बिल्ड्स को बनाने वाले हैं। और पिछली वीडियो की तरह यहाँ पे भी हमारे पास दो स्विच हैं, एक तो है हमारे स्केरी बिल्ड को ट्रांसफॉर्म करने का और एक होने वाला है मेरे टेलीपोर्ट करने का नूबड़ो की तरफ। तो या हम लोग बहुत सारे स्केरी बिल्ड्स बनाएंगे और उनकी मदद से नूबड़ो को जो है परेशान करेंगे। तो तुम लोग को लास्ट टाइम पता हो कि मैंने जो है नूबड़ो का सीक्रेट बेस डिस्ट्रॉय कर दिया था उसकी आंखों के सामने। एंड या इस बार भी हम लोग कुछ ना कुछ वैसे ही करने वाले हैं। तो उसने रहने के लिए एक नया विलेज ढूंढ लिया है, लेकिन मैं उसके विलेज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और कोई ऐसे ऐसे तरीके से नहीं, पूरा एक रेड करवा के वहां पर उसके ऊपर डालूंगा रैवेजर, विंडिकेटर्स और भी बहुत कुछ। लेकिन तुम लोगों को पता है कि रैवेजर से ज्यादा खतरनाक क्या है? स्केरी रैवेजर्स। यस ऑलराइट, तो अब टाइम हमारा शुरू हो जाने का। तो ये मैं बताता हूँ पैर, ऑलराइट इन्हें ऐसे क्लोज करता हूँ और ये बनेगा उसका हाथ। एंड ऑलराइट, और ये मैंने लगा दिया हमारा स्केलेटन स्कल, लेट्स गो। वैली कहीं से भी रेवेजर लग तो नहीं रहा है दिखने में, लेकिन कोई नहीं, हमारे नॉर्मल रेवेजर अगर चार टांगों पे खड़े होते हैं तो फिर हमारे ये कर्ज रेवेजर दो टांगों पे खड़ा होगा। ओके, तो रेवेजर तो मैंने बना दिया, अब यहाँ पे विंडिकेटर्स की बारी है। यहाँ पे मैं दो वूल लगाऊंगा, उसके ऊपर लगा दूंगा जॉम्बी हेड, इधर भी ये करूंगा मैं, ये लगाओ और उसके ऊपर एक जॉम्बी हेड लगा दो। एंड आई थिंक हमारे पहले जो है स्केरी बिल्ड्स बन चुके हैं, तो अब टाइम है इन्हें स्केरीफाई करने का। तो यहाँ पे आते हैं एंड इसे लीवर को प्रेस करते हैं। ओके, तो आई थिंक ये वर्क कर जाना चाहिए। एंड ये, ओ नो भाई, ये कौन से विलेजर्स आ गए? ओ सॉरी, पिलेजर्स। एंड ये देखो भाई, जैसे हमने रेवेजर सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। देखो दो टांगों पे खड़ा हुआ है एंड ये नॉर्मल लग रहा है बिल्कुल, लेकिन जो भी कहो बहुत ज्यादा कर्ज लग रहा है एक्चुअली में। एंड ये क्या चीज है? ओ भाई हेलीकॉप्टर, ओ इसे मारो जिसके अंदर से मॉब्स भी निकलते हैं, नाइस। अरे पिलेजर को क्या हो गया? इसके ऊपर किसी ने हथौड़ा मार दिया कि इसकी आधी हाइट कहां गई? ओके, तो इनके हाथ नहीं है इनके बस। ऑलराइट, इन्हें यहां से निकालो, बाय बाय। ओके, तो इन्हें मारो तो इनके अंदर से मॉब्स निकलते हैं और वो भी काफी सारा अजीब अजीब टाइप के। और ये और क्या है ये? ओके, इसे जितना मारो इसके अंदर से और, ओ नो, ओके ओके, यहाँ पे हमारा काम हो चुका है भाई। मैं सच बता रहा हूँ भाई, हमारे नूबड़ बिल्कुल भी इस सब के लिए रेडी नहीं है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से करते हैं उस पर टेलीपोर्ट। ऑलराइट, तो हम लोग आ चुके हैं उसके विलेज के अंदर। एंड ये देखो भाई, यहाँ पर एक ड्रैगन है क्या? यहाँ पे एक ड्रैगन मरा पड़ा है भाई। तो हम लोग जो है सीधे काम पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है हमारे मॉब्स को समन करना चालू कर देते हैं। और ये देखो भाई, हमारी स्पिनिंग वेवकर इनके ऊपर क्या फेंक रहा है इनके ऊपर? एक मिनट, ये क्या चीज है? वेट अ मिनट, ये कहीं वही चीज तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ? ये तो चट्टी है। ओके, तो ये विलेजर्स के ऊपर क्या फेंके मार रहा है भाई? ओके, तो ये तो सही में स्केरी बिल्ड हो गया। और ये देखो, यहाँ पे बोने वाले पिलेजर्स भी आ चुके हैं, तो एक काम करते हैं इनके ऊपर रेवेजर्स भी समन कर देते हैं, और आयरन गोला मैंने नहीं बचा पाएगा सही में। ऑलराइट, तो सारा काम हो चुका है, अब आते हैं हम सीधे सीधे यहाँ पर हमारे स्पेक्टेटर मोड के अंदर, और हम लोग जो है यहाँ पे नूबड़ू का वेट करते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग का नूबड़ू भी यहाँ पे आ चुका है और मुझे लग रहा है इस भाई ये जो है पूरा पूरा प्रिपेयर हो गया है, क्योंकि इसके पास मेरे को पूरा पूरा एक डायमंड आर्मर का सेट दिख रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं जो मॉन्स्टर छोड़े हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक। ओके, पास जा रहा अपने विलेज के। ऐसा क्या कर लिया इसने? ऑलराइट, तो इसके अंदर से लावा कैसे निकल रहा है? और देखते देखते इसने पूरे पूरे विलेज के अंदर जो है लावा ही लावा कर दिया हर जगह। वेल, मेरे से ज्यादा इसने अपने विलेज को खुद डैमेज किया है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, इसके पास ये हैक्स आए कहां से? ओ नो, ये कोई और बड़ा अटैक करने वाला है। एंड ऑलराइट, देखते हैं यहां पे क्या होने वाला है। एंड ओ नो, इसने पूरे पूरे विलेज को जो है मैग्मा का बना दिया है, ओ सॉरी लावा। एंड मेरे सारे के सारे प्लेजर जो है यहाँ पे जल के मर रहे हैं। और एक मिनट, हमारा नूबड़ू भी लावा में है लेकिन उसे कोई भी असर नहीं हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? करता है तो मुझे लग रहा है इसने कुछ बहुत ज्यादा तगड़े वाले हैक्स लगाए अपने वर्ल्ड के अंदर। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ओ देखो इनकी तरफ आसमान में मैग्मा फेंक रहा है। ओके, तो इसके लिए जो है हमारे स्पिनिंग वोकर्स को मारना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये जो है पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। और इसके पीछे जो इतने सारे विचेस वगैरह भी लग चुके हैं भाई, कहने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन हमारा नूबड़ू जो है ने बहुत अच्छे से टैकल कर रहा है। ओके, इसने अपने आस पास के पूरे इलाके को जो है डेजर्टिफाई कर दिया है, लेकिन ये पहले से डेजर्ट है तो फायदा क्या हुआ इस पे? और मैं सारे के सारे मॉब्स ने इसे घेर लिया, लेकिन इसके ऊपर एक डैमेज नहीं हो रहा है, क्या करने वाला है यहाँ पर? चलो इनसे
पति आने जा रहा है, अब तुम्हारी बारी है। ओ नो भाई, हमारे स्पिनिंग वॉकर को भी मारने जा रहा है। शिट, एंड आई थिंक इसने हमारे एक स्पिनिंग वॉकर को मार दिया आराम से। ओ नो शिट भाई, एंड इसकी जितने भी मॉब्स निकल रहे वो सब के सब दल दल में जा रहे हैं। इन सब को मारने तक मैं आ चुकी हूं, तुम्हें इन्हें मारने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन अभी जो है मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे तुमको भेजा। क्या ये इसने टोर्नेडो बुला लिया यहाँ पर, व्हाट द हेल, और ये टोर्नेडो को कंट्रोल कर पा रहा है। हमारा विलेज एकदम पीसफुल लग रहा है भाई साहब, मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि हमारे नूबडू ने यहाँ पे सारे के सारे मॉब्स को हरा दिया है। ओके, तो अब मैं समझ चुका हूँ, इसे जो है इतनी सी चीजों से कुछ भी नहीं होने वाला है, तो मुझे जो है और भी ज्यादा तगड़े तगड़े मॉब्स इसके पीछे भेजने पड़ेंगे, क्योंकि अब इसकी जो हैक्स की पावर है ना बहुत ज्यादा आउट ऑफ हैंड होती जा रही है। तो यार हमारा पिछला वाला प्लान जो है बहुत ही बुरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि हमारा नूबडू जो है पूरा पूरा प्रिपेयर होकर आया था, लेकिन इस बार नहीं। तो अगर तुम लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो देखी तो तुम लोग को पता होगा कि मैंने जो है एक वॉकिंग बेड को भी समन किया था यहाँ पर एक बार, एंड या उस वॉकिंग बेड के अंदर कुछ ना कुछ तो पावर है जो कि तुम्हारी सारी पावर्स को जो है नलिफाई कर देता है, मतलब बेसिकली तुम्हारी पावर जो है उसके सामने यूजलेस हो जाती है। तो मैं काम करता हूँ, एक बार दोबारा से उसे यहाँ पे समन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाया हमारा बेड, एंड या उसके आसपास लगाता हूँ मैं थोड़ी सी स्कल, ऐसे बिल्कुल नाइस। और अब इसके ऊपर लगाते हैं थोड़ा सा रेडस्टोन, ताकि हर चीज जो है थोड़ी और डरावनी दिखे। ओके नाइस, ये बिल्कुल परफेक्ट है। एंड या अब टाइम है हमारे इस बिल्ड को पूरा स्केरी बनाने का। तो चलो यहाँ पे आते हैं, एंड जल्दी से यहाँ पे प्रेस करते हैं हमारा लीवर को। ओके, ये वर्क कर गया, एंड ये रहा हमारा वॉकिंग बेड, लेट्स गो। तो यार मैंने अपने अंदर भी थोड़ी बहुत हैक्स इंस्टॉल कर लिए, एंड अब देखते हैं कि क्या ये जो है बेड मेरी पावर्स को मेरे से छीन पाता है या फिर नहीं। ओके ओके, तो मैं आता हूं जल्दी से यहाँ पे सर्वाइवल मोड के अंदर, एंड ऑलराइट। ओके, इसने मेरे को लिटरली वन हिट कर दिया, आर यू सीरियस। ओके भाई, जो भी बेड है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड क्योंकि अब मैं इसे अपनी प्रॉपर फाइट के बिना नहीं जाने दूंगा, तो फिर मैंने और हैक्स लगा के अपनी हेल्थ जो है और बढ़ा ली है। ऑलराइट, और ये ले। ओके, तो इस वाले अटैक से तुम लोग देख सकते हो कॉबल स्टोन जो कि इतना स्ट्रॉन्ग ब्लॉक है वो भी मैंने तोड़ दिया बड़े आराम से, एंड यहाँ पे हर तरफ आग आग लग गई है। ओके, हमने थोड़ा सा ये भी तोड़ दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट ऑलराइट, तो ये मेरी पावर्स को थोड़ा मैसअप कर रहा है, लेकिन कोई ना, मैं अभी भी अपनी पावर्स थोड़ी बहुत यूज कर सकता हूँ। एंड ऑलराइट, ओके जल्दी अटैक हो वो। ओके ओके, मैं जंप नहीं कर पा रहा हूँ, इसने मेरी पूरी पावर्स नलिफाई कर दी। रुको, मैं उड़ने की कोशिश करता हूँ। ओके, मैं उड़ सकता हूँ फिर भी, क्योंकि मैं इससे जैसे तैसे बच रहा हूँ। ओके, नीचे गिरो नीचे गिरो, नाइस। ओके, लगता है नीचे गिर गया, फाइनली मैं सेफ हूँ। एंड देखो तो भाई, छोटी सी फाइट ने कितनी बड़ी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन फैला दी है, और मुझे नहीं लगता नूबडू जो है मेरे जितना स्ट्रॉन्ग है, तो देखते हैं भाई वो इससे बच पाता है या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले मैं जो जगह हूँ पूरा अच्छे से रिपेयर कर देता हूँ। एंड या इसी के साथ देखते देखते हमारी पूरी पूरी जगह हो चुकी है रिपेयर। एंड या इसी के साथ टाइम है हमारा नूबडू की जगह पे टेलीपोर्ट करने का। ओके, तो हम टेलीपोर्ट करके आ चुके हैं एक दूसरे विलेज के अंदर, और आई थिंक ये है नूबडू का एक नया विलेज। एंड यार तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल विलेज नहीं, एक पूरी तरह से मॉडिफाइड विलेज है। एंड ये जो शिप दिख रही है ये हमारी नूबडू की शिप, तो इसके पास चलते जल्दी से। एंड तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है बहुत सारे अंडरग्राउंड बेड लग रखे हैं। ओके, तो यहाँ पे अंदर आता हूँ। एंड ये देखो भाई, उनके बेड रूम का कमरा, बेड रूम का कमरा, ये क्या होता है भाई। तो यार यहाँ पे बहुत सारे बेड लगे हैं, लेकिन वो इस बेड पे नहीं सोता है, वो इस वाले बेड पे सोता है जो कि उसका फेवरेट बेड है, ये रेड वाला। तो जल्दी से मैं तोड़ देता हूँ यहाँ पर, और ये मैंने हाथ में ले लिया हमारे वॉकिंग बेड का स्पॉन एग, और अब जल्दी से अब मैं हो जाता हूँ स्पेक्टेटर मोड के अंदर। एंड जैसे वो यहाँ पर आएगा वैसे मैं उसके वॉकिंग बेड को यहाँ पे समन कर दूंगा, एंड वो सही में पगला जाने वाला ये देख के। देखो भाई, हमारा नूबड़ू कितना झूठ बोलता है, इसे इस शिप को बनाने में 4 दिन भी नहीं लगे है। इसने आयरन गोलम को थोड़े से पैसे दिए और उससे काम करवाया है। मैंने से आयरन गोलम की मदद से बनवा तो ले, लेकिन आप समझते हैं जाऊँ कैसे, बोलो तो मेरे पास तो हैक्स है ना। लेट्स गो भाई, ये हैक्स तो मेरे बहुत ज्यादा काम की चीज है। देखो मैं आराम से आपके अंदर आ चुका हूँ, एंड चलो मैं जाता हूँ अपने फेवरेट बेड के ऊपर। वैसे मैं यहाँ पे अपने भाइयों के लिए भी जगह बना रहा हूँ। ओके, तो हमारा नूबड़ू जो है अपनी शिप के ऊपर ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा है, तब तक मैं एक काम करता हूँ, इसका वॉकिंग बेड को यहीं पे समन कर देता हूँ। रात तो बहुत हो गई है, टाइम है मेरे सोने का, तो मैं अंदर जाता हूँ। ओके, अब हमारे नूबडू को पक्का गुस्सा आ रहा है, एंड यही टाइम है हमारे वॉकिंग बेड को समन करने का। ओके, तो हमारे नूबडू ने फाइनली देख लिया है। ओके, तो मैं जैसे यहाँ पे सोच रहा था बिल्कुल वही हो रहा है, यहाँ पे हमारे नूबडू की जो है पावर जा चुकी है। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है नूबड़ू इसे मार सकता है, लेकिन यार कोई चांस नहीं है इसका। हाँ, ये पानी का काम तो मैं कुटिया को ऑक्सीजन तो आया था। हो रहा हो रहा हो रहा, मेरे पावर सारी सारी जाम हो चुकी है, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। ओह नो, आई थिंक नूबडू की पावर अभी फिर भी काम कर पा रही है। एंड ओके, इसने पूरी जगह को जो है लावा का बना दिया है। एंड या मैं पावर से काम करना मत करके, मैं
ओके, तो हमारा नूडलू यहाँ पे जैसे तैसे बचा है। लेट्स गो भाई, हमारा वॉकिंग बेड यहाँ पे बाहर आ चुका है। मुझे लगता है कि ऊपर मेरे को दूसरा अटैक करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं छुप जाता हूँ। ऑल राइट, अब देखना ये कि आखिर हमारा नूडलू यहाँ पे क्या करने वाला है। ओ भाई, ये कौन से मॉब्स हैं? ये तो मैंने समझ ही नहीं किए थे, लेकिन कोई ना, अच्छा है, हमें नूडलू को और तकलीफ होगी। ओके, बात हो गई, तो मैं अपने सारे हैक्स को एक साथ एक्टिवेट करता हूं। ओके, अब नूडलू यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कर रहा है। एंड यहाँ पे इसने बहुत बड़ी वॉल बना ली है, व्हाट द हेल। और यहाँ पे इसके भूत अभी भी इसे परेशान कर रहे हैं। एक मिनट, ये क्या कर रहा है? वेट अ मिनट, इसने हमें वॉकिंग मैट को उठा लिया, और ये कहाँ जा रहा है? ओके, इस समय वॉकिंग बेड को उठा के लावा में फेंक दिया और हमारा वॉकिंग बेड जल रहा है। अरे मुझे नहीं लग रहा। ओके, हमारे वॉकिंग बेड को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओके सर, इसने हमारे वॉकिंग बेड को दोबारा से एक बार उठा लिया एंड इसने इस बार पूरा इसे लावा के अंदर डाल दिया है। शिट, नूडलू ने पूरी जगह को आइस का बना दिया है। आर यू सीरियस? ओ नो, हमारे वॉकिंग बेड भी इस आइस के अंदर फ्रीज हो चुका होगा, लेकिन अभी भी उसे इफेक्ट मिल रहा है। नाइस, भाई देखो, हमारा नूडलू जो आइस के ऊपर चल रहा है एंड देखो भाई वो कहीं दूर जा रहा है। तो हमारा नूडलू हमारे प्लान से बच के दो बार भाग चुका है, तो इसलिए हमें इस बार अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। तो हमारी माइनक्राफ्ट में एक मॉब है जिससे हमारा नूडलू बहुत ज्यादा डरता है, और वो है एंडरमैन। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, बहुत ही बड़ा सा म्यूटेंट एंडरमैन बनाता हूँ उसे डराने के लिए, एंड देखते हैं आखिर क्या बनता है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे बेस हमारे एंडरमैन का। ये रहे भाई उसकी टांगे। हाँ, हमारे एंडरमैन बहुत लंबे होते हैं, तो फिर हम यहाँ तक ऐसे बनाते हैं। ओके नाइस, इसे एक मैं स्टिकमैन फिगर की तरह बनाऊंगा जो कि थोड़ा अजीब लगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, ये हमारा एंडरमैन होने वाला एक जायंट एंडरमैन। ओके, बड़ा सा, ये कुछ जम नहीं रहा मुझे। रुको भाई, प्लान कैंसिल, इसे हटाओ इसे हटाओ। सीधे तो हमारे नॉर्मल एंडरमैन खड़े होते हैं, हमारे म्यूटेंट एंडरमैन चार टांगों पे खड़ा होगा। नाइस, ओके इसकी मैं बनाऊंगा चार टांगे। लेट्स गो। ओके, ये तो मैंने इतना कर दिया काम। अब इसकी पावर के लिए मैं इसके अंदर थोड़े बहुत क्रैंक ऑब्सीडियन भी लगा रहा हूँ, पता चलना चाहिए ना मॉब कितना ज्यादा पावरफुल है। ओके, ये सही है। और अब एंडरमैन का हेड तो मेरे पास है नहीं, तो एक काम होता है यहाँ पे ड्रैगन हेड ही लगा देता हूँ। एंड ओके, जो भी लग रहा है अजीब सा लग रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है स्केरीफाई होने के बाद जो है कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉब बन ही जाएगा। एंड मैंने इसे उल्टा क्यों बनाया भाई, चलो उसे छोड़ो, जल्दी से हम यहाँ पे आते हैं। एंड इस लीवर को प्रेस करते ही हमारा म्यूटेंट एंडरमैन हो चुका है। ये क्या है? ऑलराइट, जो यहाँ पे एक बॉक्स है एंड मैं इसके साथ में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो क्या हमारे जल्दी से यहाँ पे सर्वाइवल मोड के अंदर। एंड अब मैंने हमारे नूडलू की तरह थोड़े बहुत हैक्स भी एक्टिवेट कर लिए, तो इसे मैं एक बार छू के देखता हूँ आखिर है क्या। भाई ये तो बॉक्स लग रहा है मुझे किसी टाइप का। ओके, लेकिन ओह ऑलराइट, ओके, तो ये आई थिंक किसी टाइप का रिचुअल वाली चीज है। एंड ऑलराइट, ओके ये आ चुका है, एंड ये है हमारा करप्ट एंडरमैन। ओ नो, ये ब्लाइंडनेस भी दे रहा है। ओ शिट, ओ नो। ओके, मैं अपनी पावर यूज करता हूँ इसके ऊपर थोड़ी सी। ऑलराइट, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने आई थिंक जो भी अटैक मारा उसे हिट तो किया है। ओके, संभल के यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ओ नो, इसने हमारे आधे, ओ नो, ओके ये बिल्कुल भी इसने अच्छा नहीं किया, तो ये ले। नाइस, मैं अपने बस बेस को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। तो इसने मेरे को गिरा दिया है, वो तो अच्छी याद है मेरे पास हैक्स है, तो फिर मैं बच गया। रुको, इसे समन किया तो फिर मैं ही इसे मारूंगा। ओके, हम अपनी पावर्स का यूज करके उड़ के चलते हैं। ओके, अब मैं जब हवा में हूँ मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ सकता, तो इसके ऊपर हवा से ऐसे फायर वाले अटैक्स मारता हूँ। ओके, अब बहुत बड़ी फायर वॉल मेरी पिछली बार की तरह। ओके नाइस, ये ले। एंड ऑलराइट, इसकी अभी तो आधी हेल्थ गई है, जबकि मैंने अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक इसके ऊपर यूज किया है। ओ नो, मैं नीचे जा रहा हूँ। शिट, ओके, तो इसके पास में थोड़ी बहुत पावर कैंसिल करने की पावर्स हैं। एक काम करते, नीचे ही गिरा देता हूं। नाइस, ओके, हमारा काम हो चुका है यहां पर। नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। अब मैंने इसे क्योंकि समन ही कर दिया, पूरा ही क्यों नहीं मार देते हैं। ओके, ये ले मेरा दोबारा से एक बार फायर वाला अटैक एंड एक और बार फायर बॉल, एंड इसका काम हो जाना चाहिए। एंड ये तो ऐसे ही मर गया। और देखो भाई, मेरी फायर बॉल कितनी ज्यादा पावरफुल है, मैंने एक जंगल को डिस्ट्रॉय कर दिया यहाँ पर। एंड इसी के साथ हमने एक बार दोबारा से अपने इस प्यारे से बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। चलो भाई, इसे जल्दी से ठीक करते हैं। तो हमने हमारे पूरे इस बिल्डिंग एरिया को एकदम से दोबारा से नॉर्मल बना दिया है। अब एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ पे आते हैं एंड टेलीपोर्ट कर लेते हैं। ओके, तो मैं आ चुका हूँ हमारे नूडलू के वर्ल्ड के अंदर, एंड ये मुझे उसका विलेज लग रहा है। ओ नो, आर यू किडिंग मी भाई, इसने इतनी जल्दी एक टाउन हॉल भी बना लिया पूरे विलेज के अंदर। ओके, तो हमारे नूडलू जो है बहुत ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं। तो हम टाउन हॉल के अंदर आते हैं और यहाँ पर आई थिंक सारे विलेजर जो है उसके साथ में टीम मीटिंग करते हैं। रुको, मैं यहाँ पर जो है उसके लिए ट्रैप बिछाता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ सबसे पहले, एंड यहाँ पे मैं इन सारे बॉक्सेस को ऐसे रख देता हूँ लाइन से बिल्कुल। ओके, कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं भाई, इससे ज्यादा सस्पिशन हो जाएगा। चलो इन्हें थोड़ा कम करते हैं। नाइस, तो हमारा नूडलू जो है हमारे टाउन हॉल के अंदर आएगा एंड ये सब चीजें देखेगा और हैरान हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ साइन बोर्ड लगा लेता हूँ, फ्री लूट। ओके, तो प्लान ये, वो यहाँ पे अंदर आएगा और फ्री लूट वाले साइन को देखेगा,
और फिर बाद में इन सबके ऊपर राइट क्लिक करेगा एंड या उसके पीछे सारे सारे हमें करप्ट एंडरमैन पड़ जाएंगे। एंड इनसे उसका बच पाना जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और मैं जानता हूँ उसके पास में पावर से, लेकिन फिर भी भाई हमें करप्ट एंडरमैन से बचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम आते हैं जल्दी से यहाँ पे हमें स्पेक्टेटर मोड के अंदर, और अब बस हमें इंतजार करना है। गाइस गाइस हमारा नूबड़ी यहाँ पे आ चुका है। मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई ना कोई तो है। अरे गाइस मुझे लग रहा है इसे पता चल चुका है कि मैं यहाँ पर है। ओके तो हमारे टाउन हॉल के पास जा रहा है। अच्छा तो इसने टाउन हॉल नहीं बनाया, इसके विलेजर्स ने दिया है। अभी रुक बेटा, अभी तेरा सुकून जाने वाला है। लगता है शक हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। अंदर जाता मैं। ओके तो आई थिंक हमारे ट्रैप में फंसने वाला है शायद से। यहाँ पे लिखा है फ्री लूट। ऑलराइट कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अब मुझे ऐसा लग रहा है ये सब किसी के जाल है। मुझे लग रहा है भाई ये इस बार हमारे जाल में नहीं फंसेगा। यहाँ पर गेट भी खुले हुए थे, बाहर स्टिक्स भी पड़ी हुई थी, और इसी जगह मैंने इतनी शांत हाथ से पहले कभी नहीं देखी है। ओ नो गाइस मुझे लग रहा है इसे सब पता चलता जा रहा है। इसका मतलब ये है नहीं 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 जाल के अंदर फंस चुका है एंड अब देखना उसे सरप्राइज मिलने आएगा। ओके तो हमारे नूबड़ो के पास में पावर से ऑफ कोर्स वो उड़ सकता है। कोई नहीं नूबड़ो, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। Well, मुझे लग रहा है हमारे क्रीचर्स पे मुझे पूरा पूरा विश्वास है, ये इससे इतने आराम से नहीं आ रहेंगे। लेकिन ओ नो इसके पास मेरी तरफ फायर पावर्स भी है, इसने भाई बहुत ज्यादा तगड़े वाले हैक्स लगाए इस बार। इसने एक बहुत ज्यादा तगड़ा हिट मारा इन पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। भाई लिटरली वन शॉट कर पा रहा है हमें एंडरमैन को, और यहाँ पे रात भी हो चुकी है तो और हॉस्टाइल मॉब्स आएंगे इसे परेशान करने के लिए। तो हमें नूबड़ू ने अपने एक हाथ बड़ा कर लिया है एंड अब ये जो है इनके ऊपर अटैक कर रहा है, और ये लॉन्ग रेंज से भी मार पा रहा था। ये वाला अटैक इसका जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इसने इन सबको एक ही जगह पे रख लिया है। एंड ऑलराइट तो इसने काफी सारे इन सबके लेट्स गो। तो हमारे नूबड़ू का विलेज उससे एक बार दोबारा से छिन चुका है और वो एक आइलैंड के ऊपर आ चुका है। मुझे मारा किसने? वेल जो भी हो मेरे प्लान के अंदर तो नहीं था, लेकिन अब नूबड़ू मर चुका है तो हमारा प्लान एक तरह से सक्सेसफुल हो गया है। ओके तो हमारा नूबड़ू जो है एक छोटे से आइलैंड के ऊपर है, और मुझे पता है वो जरूर से एक शिपरैक के पास गया होगा। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि मैं बताता हूँ एक बहुत ही बड़ा सा ऑक्टोपस, और उसे मैं नूबड़ू के पीछे लगा दूंगा। यार यही प्लान है मेरा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि आखिर मैं एक ऑक्टोपस को बिल्ड कैसे करूँ। ओके तो मैं सबसे पहले हमारे ऑक्टोपस का सर लगाता हूँ जो कि थोड़ा सा बड़ा होने वाला है यहाँ पर। ओके ये बन गया हमारे ऑक्टोपस का सर। ओके इसे जल्दी से यहाँ से तोड़ते हैं। ओके अब यहाँ से इसकी हम बॉडी बनाएंगे। ओके इसकी गर्दन कुछ ज्यादा ही लंबी बना दी मैंने। ओके यहाँ पे एंडर रॉड लगा देते हैं बिल्कुल ऐसे। ये क्या बन रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऑक्टोपस तो नहीं, कोई कीड़ा लग रहा है अजीब सा, लेकिन कोई नहीं जो भी बन रहा है ठीक ही लग रहा है अभी तक तो। ओके ये रहा हमारा अजीब सा ऑक्टोपस, एंड ये ऑक्टोपस नहीं है, ये पता नहीं कोई अजीब सा कीड़ा लग रहा है मुझे। ओके तो ऐसा हमारे ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि हमें एक ही मॉन्स्टर बनाना है, हम दो भी मॉन्स्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ और बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके सो यहाँ पे मैं एक ऐसी बॉडी लगाता हूँ एंड इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे स्कल लगाता हूँ, एंड ये पता नहीं क्या लग रहा है, लेकिन ये मुझे लग नहीं रहा कि कोई वाटर वाला मॉन्स्टर बनेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इन दोनों चीजों को एक बार जो है स्केरी बिल्ड बनाते हैं एंड देखते हैं आखिर क्या बनती है। एंड हेवी एंड ओके अब देखते व्हाट। ओके जो मैंने सोचा था उससे तो काफी ज्यादा अच्छा बना, ये बन चुका हमारा क्रेकन, और जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही बनाई है। एंड ये कौन सा भाई, ये तो अजीब सा कुछ हमें मॉन्स्टर लग रहा है। ओके ये एक इसकी तो एक ही आंख है। ऑलराइट देखते हैं आखिर मैं अगर सर्वाइवल में हूं तो ये मेरे को क्या करेगा। ऑलराइट तो ये मेरे पास आ रहा है। ओके ओके एंड ओ नो ओके ओके इसने मेरे को उठा लिया हवा में एंड ये मेरे को नीचे ना फेंक दे इससे पहले मैं अपने जल्दी से क्रिएटिव में आ जाता हूँ। ओ नो ओके तो इनसे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं उड़ सकता हूँ तो मेरे को ज्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। वो इनकी हेल्थ भी ज्यादा नहीं है, अच्छी बात है। और बाकी हमारा क्रेकन भी जो है काफी ज्यादा अच्छा डैमेज कर रहा, तो यार ये भी काफी ज्यादा अच्छा मॉब है और इसने मुझे नौजिया भी दे दिया है। ओके तो ये दोनों जो है काफी ज्यादा अच्छे बॉस लग रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं जल्दी से यहां पे आता हूं और यहां पे टेलीपोर्ट करता हूं। ओके तो हम लोग ओशन के बिल्कुल बीचों बीच, और यहां मेरे ठीक नीचे है एक शिपरैक, तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा लेकिन एक मिनट में दिखाता हूं तुम लोग को। ओके मैंने खुद को दे दिया नाइट विजन एंड अब तुम लोग देख सकते हो ये रहा हमारा शिपरैक। ओके
ओके, तो आई थिंक यहाँ जो आइलैंड दिख रहा है ना, यहाँ से हमारा नूबड़ू आएगा यहाँ पर, उसे ये शिपरेक दिखेगी और वो इसके अंदर जो है ट्रेजर लूटने जाएगा। तो मैं इसके अंदर जल्दी जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रेजर चेस्ट है, इन्हें पूरा खाली कर देता हूँ मैं। उसे यहाँ पर कुछ भी मिलना नहीं चाहिए। ओके नाइस, ओके इन सबको भी खाली कर दो बिल्कुल। ओके नाइस, ये ज्यादा बेटर था। और अपनी इन्वेंट्री भी कर देता हूँ बिल्कुल क्लियर। ओके, तो अभी वाली शिपरेक जो है पूरी हमने खाली कर दी है। एंड अब जब यहाँ से नूबड़ू आएगा तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्पेक्टेटर में हो जाते हैं। ओके, तो वह एक बार आएगा शिपरेक को लूटेगा, इतने में उसके पीछे जो है बहुत सारे मॉब्स जैसे समन करता जाऊंगा। से निकलना होगा, देखो हमारा नूबड़ू यहाँ पे आ रहा है और ये हमें ट्रैप में फंसने वाला है। ओके, तो ये हमारे ट्रैप के अंदर फंसा जा रहा है। ओके, और गहराई में जा, इसे मिलने तो वैसे भी कुछ नहीं वाला है यहाँ पर। ओके, तो डोर के अंदर जो पॉकेट बनी है उसके अंदर सांस ले रहा है। तो इसे धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पर और कोई चेस्ट नहीं है, देखता हूँ तो मैं ऐसे निकलता हूँ। ऐसे शिपरेक के अंदर कम से कम दो चेस्ट तो निकलती है, तो मैं और यहाँ पे ट्राई करता हूँ थोड़ा ढूंढने का। ओके, तो यहाँ पे हमारा नूबड़ी जो है थोड़ी गहराई में जा रहा है और यहाँ पे थोड़ी चेस्ट वगैरह ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो इतने में मैं जो इसके ऊपर हमें ऑक्टोपस जैसे क्रिएचर समन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं मिला। ओके, तो इसने फाइनली हमारे क्रेकन को देख लिया है। ओके, तो हमारा क्रैकन इसका पीछे इतने आराम से तो नहीं छोड़ने वाला है। वो नहीं तो मुझे उठा उठा के मार रहा है। मैं तो मैं अपने पावर्स का यूज करता हूं। एक सेकंड, ओके, तो हमें फाइनली इसकी वीकनेस मिल चुकी है कि अंडर वाटर अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकता है। ओके, तो जिस बोट से आया था उसी बोट से वापस जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारे पास एक और मॉब बचा हुआ है इसे परेशान करने के लिए। और देखो भाई, हमारा क्रेकन अभी भी इसके पीछे लगा हुआ है। ओके, तो भाग रहा है और मैंने इसके पीछे हमारे बेहोल्डर्स भी समन कर दिए हैं। और ये फंस चुका है हमारे जाल के अंदर। लेट्स गो, लेट्स गो भाई, अब हमारा नूबड़ू गया, अब हमारा नूबड़ू गया। एंड इसी के साथ हमारा नूबड़ू मर चुका है। तो जैसा मैंने सोचा था, ये प्लान बिल्कुल वैसे ही काम किया, बिल्कुल परफेक्टली। तो अब हम लोग को जो है ऐसे मॉन्स्टर और बनाने और हमारे नूबड़ू को और थोड़ा सा ट्रोल करना है। ओके, तो हमारा नूबड़ू यहाँ पे आ चुका है। एक बार हमें दोबारा से विलेज के पास में, एंड एक बार ये दोबारा से हमारे जाल में फंसने वाला है। देखो भाई, हमारा नूबड़ू कभी भी नहीं सुधरेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी अंदर जा रहा है। ओके, तो हमारा नूबड़ू जो है सोने जाएगा और इतनी देर में जो है यहाँ पर थोड़े बहुत हमारे पंपकिन स्पिरिट्स भी आ जाएंगी, जो कि हमारे स्केयरक्रोस हैं, और वो इसे डराना चालू कर देंगे। ओके, तो हमारे नूबड़ू को हमारे पहले स्केयरक्रो मिल चुका है। जी हाँ, तो ये हमारे जो स्केयरक्रोज है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेट्स गो भाई, हमारा ट्रैप जो है वर्क कर रहा है, एंड इसके पीछे ये जो है बहुत सारे स्केयरक्रोज हमारे लगने वाले हैं। ओके, तो हमारा नूबड़ी जो है बिल्कुल हाइट के ऊपर आ चुका है, एंड देखते हैं वो यहाँ से क्या करने वाला है। भाई ये कौन सी ट्रिक है? ओके, तो हमारे नूबड़ी को जो है काफी सारी नई नई ट्रिक्स आ चुकी हैं। ओके, साले ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन ये वाला जरूर कुछ करेगा। वो भाई, नूबड़ू ने ये कहाँ से सीखा? और ये लो मेरे तीसरा है ना। ओके ओके, अब सारे साइज के स्केयरक्रोज इसके घर पे आ रहे हैं। मैं तो अपने पास आ रहे हूं भाई, चलो। ओ नो, ऐसे तो इन सबको मार देगा। ओके, ये मेरा चौथा वाला एरो, एंड इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। ओके, ये लो। एंड ऑलराइट, ये कौन सा एरो था? ओ, इसने सारे के सारे पंपकिन स्पिरिट्स को एक साथ डैमेज कर रहा है, ये क्या भाई? इसके पास ये सारे एरोस कहां से आए? लगता है सब इतनी जल्दी तो ऐसे नहीं खत्म होने वाले। काम करता हूं मैं यहां पे, डालता हूं ऑयल और इसके ऊपर डालूंगा फ्लेम। वो ये तो कॉम्बो मार रहा है भाई अपने अटैक्स के। नहीं तो ना मेरे कैसे? ऑलराइट, उन्हें ऐसे तो मैं पंपकिन स्पिरिट इससे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। एक काम करता हूँ, इसके पीछे समन कर देता हूँ उन्हें। अरे ये किसने मारा? ओरा मैं तुम्हें चाह चुका हूँ, नहीं तेरे पास बताओ ये लो। ऑलराइट, ये क्या जिन चीजें हो रही मेरे बारे में? ओके, लगता पूरा नया काम भी चलेगा मेरा। कोई ना, पानी हमें स्वॉर्ड से ये लो। ओके, तो हमारे नूबड़ू को अब स्वॉर्ड चलाना भी आता है और मुझे नहीं पता सही में इसके बारे में। एंड ओके, मेरा अटैक काम कर रहा है, एक और अटैक ये लो। भाई आर यू किडिंग मी यार, इसके पास इतने सारे पावर्स कहां से आई? ओके, आपके पावर बोला मैं ये ले। और ये लो, मैं तो कितने स्टेट पर ऊपर बैठे हैं उन सब के लिए ये लो।
भाई साहब हमारे नूबडू इस बार कोई हैक्स भी यूज नहीं कर रहा, वो पता नहीं अलग अलग टाइप के बोज एंड एरोज यूज कर रहा है एंड इन सबको मार रहा है। ओ नो, यहाँ पे सुबह होने वाली है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है नूबडू हमारे एक बार दोबारा से हमारे जाल से बचने वाला है। नूबडू लिटरली हवा में चल सकता क्या? ओके ओके, ये कौन सा मूव था? ओ इसने लास्ट वाले को पानी में फेंक दिया और वो ऐसे ही मर रहा है। नाइस, और इन्हें भी मार रही है। ओके भाई, जो भी कहो हमारे नूबडू के अंदर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है। ओके सो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन हमारे नूबडू एक बार दोबारा से हमारे मॉन्स्टर से बच चुका है। लेकिन अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हम लोग और भी ऐसे स्केरी मॉन्स्टर अभी अभी बना सकते हैं एंड उनके सामने हमारे नूबडू का कोई चांस ही नहीं है। ओके तो गाइस, अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि हमारे नूबडू बार बार हमारे प्लान से बचा जा रहा है, लेकिन इस बार नहीं बच पाएगा वो, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने नूबडू की सबसे बड़ी कमजोरी को यूज किया था और वो है क्लाउंस। जी हाँ, हमारे नूबडू को जोकर से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो फिर इसलिए हमने उसके लिए गिफ्ट भी बनाया था बड़ा सा। ओके तो अब हम लोग जो है हमारे नूबडू को बहुत ज्यादा परेशान कर लिए, लेकिन अब मैं ना उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट बना के देता हूँ। भाई सब तुम लोग देख सकते हो इसके अंदर एक जोकर है। यहाँ पे हमारा नूबडू लिटरली सर हिला रहा है भाई, इतना उसे अच्छा लगा ये गिफ्ट। एंड हमारा नूबडू मर चुका है। एंड या इस बार भी हम लोग कुछ वैसे ही बनाने वाले हैं, लेकिन वो एक्चुअली में गिफ्ट नहीं, एक मिस्ट्री बॉक्स होने वाला है। तो एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से हमारे यहाँ पे बनाना चालू करता हूँ। ओके तो इसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसकी बाउंड्री बना रहा हूँ। ओके भाई, ये बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क जैसा नहीं लग रहा। ओके मेरे से जैसे ही बनेगा मैं बना दूंगा इसे भाई, इतनी ज्यादा कुछ डिटेल्ड नहीं होना चाहिए ये। ओके तो हमारा सरप्राइज बॉक्स बन चुका है एंड इसका हर क्वेश्चन मार्क इतना अलग क्यों लग रहा है, और मैंने ऊपर से एम्प्टी छोड़ दिया क्योंकि एक और क्वेश्चन मार्क बनाने का मेरे बस में नहीं था। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। बट या आई थिंक इतने में काम हो जाना चाहिए। अब हम जल्दी से यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पर इस स्केरी बिल्ड को स्केरी बनाते हैं। ओके लगता है काम कर गया एंड ये रहा हमारा सरप्राइज ब्लॉक। तो ये देखने में तो बिल्कुल मेरे को नॉर्मल लग रहा है एंड या ओके तो जैसे मैं छूंगा वैसे ही जो है वर्क करने लग जाएगा। बट ये हम इसे बिना टेस्ट किए कैसे यूज करेंगे? ऑलराइट, टाइम इसे टेस्ट करने का। ओके एंड ये हमारा सरप्राइज बॉक्स अब वर्क कर रहा है एंड इसके अंदर से एक म्यूजिक आ रहा है एंड इसके ऊपर तो हमारा नूबडू पक्का नाचने वाला है। चलो हम भी थोड़ा बहुत इसके ऊपर सर हिला ही लेते हैं। नाइस भाई, अच्छी ट्यून है, लेकिन जो मॉन्स्टर आने वाला है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। ओके मैं फिर से उड़ने वाली पोजीशन में आ जाता हूं, बस हमें इस पर अटैक करना है। ओके अभी म्यूजिक चल रहा है। ओके बंद होने वाला है, बंद होने वाला है, बंद होने वाला है। ऑलराइट, ये आ चुका है हमारा क्लाउन एंड ये पिछले वाले क्लाउन से और भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। ओके 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 ओके, ये जंप भी कर सकता है। ओ ये रे मेरा फायर अटैक एंड या इसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं गई मेरे फायर अटैक से, तो मतलब हमारे नूबडू की पावर इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करने वाली है। ओ नो ओ नो, ओके तो कूद सकता है जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। ओके ये मेरी ग्रेविटी अटैक एंड अब ये जो है जमीन में धंसता जा रहा है। यहाँ पर मैं म्यूटराइट बुलाता हूँ आसमान से एंड ओके क्या इसने एक म्यूटराइट सबको झेल लिया? ओ नो, ओके मैं गिरते गिरते बचाऊँ यहाँ पर। ऑलराइट इसे भी नीचे गिराता हूँ मैं अपने साथ में एंड ऑलराइट तो इसके ऊपर जो है थोड़ा बहुत असर तो हो रहा है एंड इसे फॉल डैमेज भी मिल रहा है। ओके और नीचे आओ एंड ये जो है इसका फाइनल अटैक होने वाला है मेरी तरफ से। ओके बिल्कुल इसका लास्ट अटैक एंड ओ नो, इसने डॉज कर लिया भाई, आर यू सीरियस? ओके एक और अटैक एंड या इसे मैंने फाइनली हरा दिया है। ओके तो ये वाला क्लाउन स्ट्रॉन्ग था लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं, इसलिए हमने इसे हरा दिया है। लेकिन मुझे लग रहा है नूबडू इसे हराने में दिक्कत होगी क्योंकि इसे क्लाउन से डर लगता है। तो एक काम करते हैं, हम जल्दी से उस पर टेलीपोर्ट करते हैं। ओके तो हम लोग आ चुके हैं हमारे नूबडू के बेस के अंदर एंड या उसने थोड़े टाइम के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया। मैं तुम लोग को अंदर से दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे एक शुगर केन फार्म भी है मैंने देखा था। ऑलराइट यहाँ पे पूरा फर्नेस वाला इलाका है एंड अंदर चलते हैं हम। ओके यहाँ पर है हमारे शुगर केन का इलाका या उसका फार्म है, इसे अगर हम बटन दबाएंगे तो पूरा फार्म हो जाएगा। ओ भाई साहब नाइस यार, इसे दोबारा से मैं लगा देता हूँ ताकि उसे सस्पिशन ना हो जाए। एंड ये देखो भाई इसकी इंचेंटेड टेबल ये रही, इसके ऊपर जैसे हम लीवर आएंगे वैसे इसके आसपास देखो भाई हमारे बुक शेल्फ भी आ जाएंगे। ओके तो यहाँ पे वो सोता है, तो एक काम करता हूँ यहीं पे मैं लगा देता हूँ उसका सरप्राइज बॉक्स, जैसे वो इसे देखेगा वैसे डर जाएगा। एंड अब हम लोग जो है स्पेक्टेटर मोड पे आके उस पर नजर रखेंगे। ओके तो लगता है नूबडू अपने घर के पास वापस आ गया। ओके तो जैसे प्लान के हिसाब से जा रहा सब कुछ हमारा। ओ नो यार, मैं फिर से एक बार चीज भूल गया, ये इसे शक हो गया लगता है दोबारा से। ओके अभी अंदर जाने वाला है। ओके तो हमारे नूबडू यहाँ पे जो भी मॉब आएगा उसके लिए ट्रैप बिछा रहा है एंड पता नहीं भाई क्या करने वाला है। ओके हमारा नूबडू इस बार जो है बिल्कुल भी हमारे धोखे में नहीं पड़ने वाला है, वो पूरा प्रिपेयर्ड होके आया यहाँ पर। ऑलराइट गाना खत्म हो रहा है, गाना खत्म हो रहा है।
ऊपर हमारा क्लाउन गायब भी हो सकता है, मुझे ये नहीं पता था। लेकिन सही में भाई ये गया कहाँ? आई थिंक हमारे क्लाउन को पता चल गया था कि इसने यहाँ पे इसके लिए ट्रैप लगा रखा, तो वो बाहर चला गया। वे जो भी को काफी ज्यादा स्मार्ट क्लाउन है हमारे, बिल्कुल मेरे पे गया है। ऑलराइट, तो ये आती है हमारे क्लाउन के ऊपर अपने अटैक्स करने लग गया, लेकिन ये क्लाउन जो है उसके अटैक्स डॉज कर रहा है कूद के। एंड ऑलराइट ओके, तो यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट चालू हो चुकी है हमारे नूबड़ू और क्लाउन के बीच में। एंड या ओके, हमारे नूबड़ू ने उसकी थोड़ी बहुत हेल्प तो ले ली है। ओके, हमारे नूबड़ू भाग रहा है एक बार दोबारा से, मुझे लग रहा है दोबारा अपने एरोस का यूज कर रहा है। हाँ, ओ नो, इसकी स्ट्रेटजी तो वर्क कर रही है। ओके, उसके आसपास के एरिया में दोबारा से ऑयल लगा रहा है। ओ नो, ऐसे तो हमारे क्लाउन को मार देगा। नूबड़ू ने अपनी कोई ना कोई पावर तो एक्टिवेट किया, क्योंकि अभी ये जो है इसके अटैक्स को सेंस कर पा रहा है। आधे ज्यादा हेल्थ खा ली है, ऐसे चलता रहा तो हमारे क्लाउन हार जाएगा। क्या हमारे नूबड़ू टेलीपोर्ट कर सकता है? ओके, ये मुझे नहीं पता, इसका ये भी एबिलिटी है। ओके, ये टेलीपोर्ट नहीं कर रहा, एक्चुअली बहुत ज्यादा फास्ट है। ओ नो, इसने दोबारा से अपना स्लैश वाला अटैक किया। रुको रुको रुको, मुझे कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। एंड इससे पहले मैं कुछ कर पाता, नूबड़ू ने इसे हरा दिया है। ओके भाई, ये जो चैलेंज हमारे हाथ से जाता जा रहा है, क्योंकि हमारे नूबड़ू ने हैक्स लगा के बिल्कुल भी सही नहीं किया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसके पार्ट 3 में जो है जरूर इससे बदला लेंगे, और वो पार्ट आएगा इस वीडियो के 5K लाइक्स कंप्लीट होने के बाद। तो अभी कभी इस वीडियो को लाइक करो अगर इसका अगला पार्ट चाहिए, और अगर मिस नहीं करना चाहते तो फिर अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड तब तक के लिए अगर इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो फिर लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, नहीं तो माइनक्राफ्ट एंटिटीज की रियल लाइफ इमेज देखने के राइट वाली वीडियो पे। Until then, I will meet you guys in the next one. तब तक के लिए बाय बाय।